हेलो एंड वेलकम, नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एट रेटिन ब्लॉग पर। मैं हूँ कनिका। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये है होली का पहले का दिन शाम का क्लिप, जब हम गुवाहाटी से नलबारी जा रहे थे मेरे इन लॉज के घर। गुवाहाटी से नलबारी तक सिर्फ 2 घंटे ही लगते हैं। हम लोग निकले थे करीब 5 बजे यहाँ से गुवाहाटी से, और घर पहुँचते 7:30 हो गया था। रास्ते पे ट्रैफिक था, इसलिए शूट ना कर पाई क्योंकि बातचीत में ही चला गया। और फिर सासू माँ और जेठानी के साथ खाना बनाई और फिर जाके बच्चों को खिलाया, हमने खाया। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली टू यू ऑल। तो आज है होली और मैं हूँ आज ससुराल में अपना। और ये देखिए घर में लगे सब्जी, ये है तुरई और जो लंबा लंबा है इसको हम लेसरा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बोलिएगा। ये मेरे फादर इन लॉ ने सुबह सुबह ही खेत से जाके लेके आए हैं हमारे लिए, क्योंकि आज शाम को ही हम लोग गुवाहाटी चले जाएंगे। और आज होली है तो हमारे यहाँ पे कृष्ण की पूजा किया जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो बिजी भी हो जाएंगे, तो इसीलिए सुबह सुबह ही जाके वो खेत से ये तोड़ के लाए हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मेरे ससुराल का होम टूर। तो पहले खेत देख लेते हैं, चलिए। अभी तो जैसे धान की खेती ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे पापा ने अभी कद्दू, तुरई, खीरा और मक्के की ही खेती लगाई है। यहाँ पे रखा जाता है हमारे गायों को। और ये है भगवान अनंत की मूर्ति। ये गांव की मंदिर है जो कि हमारे घर के बिल्कुल गेट के पास ही है। और आज यहाँ पे होली के दिन कीर्तन चल रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए मंदिर के बाहर ही यहाँ पे कृष्ण पूजा चल रहा है होली के लिए अभी। अब मैं फिर से गेट के अंदर आ चुकी हूँ और ये है घर के आंगन, और ये है यहाँ पे मेरे ससुराल के घर की मंदिर। घर के अंदर तक जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। ये दोनों साइड से ही हम घर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे और कुछ प्लांट्स लगाया है भैया ने, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ ने। और यहाँ दोनों साइड 2 शूरक बनवाया गया है। और ये पूरी घर की फर्निशिंग का डिज़ाइन मेरे ब्रदर इन लॉ ने किया है। और यहाँ पे है ये मेन डोर, ऊपर गणेश जी है। और इस तरफ भी बैठने की जगह है। इस तरफ मेन डोर से आते ही यहाँ पे मिल जाता है लिविंग रूम। और ये है एक बहुत ही सुंदर सा उदयन रैक, यहाँ पे रखा गया है कुछ छोटे छोटे प्लांट्स और कुछ ट्रॉफीज़। फिर यहाँ पे है ये डाइनिंग टेबल और पास में ही है ये वॉश बेसिन। फिर यहाँ पे बैठने की जगह, यहाँ पे सोफे रखा है।
और लिविंग रूम के बाद यहाँ पे और एक रूम है, ये टीवी रूम बोल सकते हैं। यहाँ पे ये टीवी यूनिट है और इस तरफ यहाँ पे एक बेड है। घर पे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे खेलते भी है और यहाँ पे मम्मी पापा बेसिकली बैठ के टीवी एंजॉय करते हैं। और फिर ये है भैया भाभी का रूम, यहाँ पे है ये बड़ा सा बेड, उसके बाद ये है एक वार्डरोब, फिर उसके बाद यहाँ पे रखा है एक सोफ़ा जहाँ पे डेली बेसिस पे बच्चे जो भी कपड़े पहनते हैं उसको रखा गया है। फिर चलिए ये रूम देखते हैं, यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल रखा गया है और ये एक स्टडी रूम है भैया का। बड़ा बेटी दिशा यहाँ पे पढ़ती है। थोड़ा यहाँ पे मैसी है, इग्नोर कीजिएगा, बच्चों का घर है। तो चलिए अब हम आगे हैं किचन में, तो यहाँ पे किचन के एंट्री में ही है ये फ्रिज और पास में ही है ये कैबिनेट जहाँ यहाँ पे रखा गया है क्रॉकरीज और नीचे कुछ सामान रखते हैं मम्मी, और ऊपर है ये पानी का बोतल, अचार और घी ये सब रखा गया है। फिर यहाँ पे ये फ़ैन दिया गया है और इसके बाद है ये डाइनिंग टेबल। घर के लोग हमेशा ये डाइनिंग पे ही खाना खाते हैं और ज़्यादा लोग होने पे बाहर की डाइनिंग को भी यूज़ किया जाता है। फिर डाइनिंग के पास ही ये है बेसिन और ऊपर आरो लगाया गया है और नीचे जो ये पेन ड्रम रखा गया है यहाँ पे चावल रखा जाता है। फिर चलिए काउंटर टॉप की तरफ। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे तो काउंटर टॉप भी थोड़ा मैसी है तो इसे भी इग्नोर कीजिएगा। और ये है वाइट और पर्पल की कॉम्बिनेशन में ये काउंटर टॉप, और ऊपर में भी कैबिनेट है, नीचे में भी कैबिनेट है, और यहाँ पे जो डोर गया है ये बैक साइड में जाता है, घर के जो बैक साइड है। यहाँ पे और एक कुकिंग एरिया है, यहाँ पे बेसिकली वेज बनाया जाता है और उस तरफ नॉन वेज बनाया जाता है। चलिए मम्मी पापा के रूम की तरफ, और यहाँ पे है ये पिलो, ये रजाई, ये सब यहाँ पे रखा गया है। पास में ही डेली बेसिस पे जो कपड़ा पहनते हैं ये रखा गया है और यहाँ पे है दो अलमारियाँ, और यहाँ पे ये बेड के पास में ही ये ड्रॉयर रखा गया है जहाँ पे कुछ इमरजेंसी के सामान रखा गया है, और यहाँ पे है ये ड्रेसिंग टेबल। बहुत ही सुंदर सा ये ड्रेसिंग टेबल है। अब चलिए हमारे रूम की तरफ। ये है हमारा रूम, शादी के बाद मैं यहाँ पे ही आई थी पहले, और अभी भी जब आती हूँ तो इसी रूम पे हम रहते हैं। यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे सामान नहीं रखा गया है, लेकिन जो एक बेडरूम में चाहिए वो सब यहाँ पे है। तो चलिए अभी बाहर की तरफ चलते हैं। और इस तरफ दो बाथरूम्स दिए गए हैं और वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, और इस तरफ से जाने से घर के बैक साइड में जा सकते हैं।
और यहाँ पे है ये ढेकी बोला जाता है इसको, यहाँ पे चावल का आटा बनाया जाता है। और यहाँ पे मम्मी और पापा कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिर्चियों का खेती किया गया है। तो ये है घर के बैकयार्ड, जो मैं पहले खेत दिखाई थी वो पीछे की तरफ है। और यही था मेरा प्यारा ससुराल का एक छोटा सा होम टूर कराया आप सभी को मैंने। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बोल सकते हैं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।